वेलकम टू सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। Myself Khushi Kukde from Siddhivinayak Institute. I am from Gannaik Bench 11JEE. आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लोकेशन ऑफ रूट्स। ये टॉपिक ग्राफिकल कंडीशन पे बेस्ड है और इसके करस्पॉन्डिंग्स कुछ रिजल्ट बनते हैं जो आपको याद रहने चाहिए। कंडीशंस के हिसाब से रिजल्ट याद रहने चाहिए। कंडीशंस लगेंगी ए की वैल्यू पे, डी पे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स और वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू के। जैसे कंडीशन है कोई, इसके करस्पॉन्डिंग्स हमको रिजल्ट्स मिलेंगे और रिजल्ट से हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है विविकप मेथड के साथ। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है जिसके दोनों रूट ग्रेटर देन 2 रह गए। तो इसके पॉसिबल ग्राफ्स क्या क्या होंगे? जैसे सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है जिसके बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2 रहेंगे। इसके पॉसिबल ग्राफ्स कौन कौन से बनेंगे? एक तो इसके पॉसिबल ग्राफ्स कौन कौन से रह गए? एक तो ये रहेगा जिससे 2 से बड़ा चाहिए, तो ये ओपनिंग अपवर्ड्स है। ये कौन से ग्राफ्स है? ओपनिंग अपवर्ड्स। तो इसका एक रूट हो गया अल्फा, एक रूट हो गया। और एक पॉसिबल ग्राफ क्या बनेगा जिसके जो इक्वल रहेगा, जिसके दोनों रूट्स, ये भी 2 से बड़ा आएगा और एक ये बनेगा। इसके रूट्स इमेजिनरी आएगी इसलिए हम बता नहीं सकते कि वो 2 से बड़े हो गए या नहीं हो गए, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। और एक जो ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें ये दो केस जो रहेंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। हो गया, इतना ही मिट करना है। तो इससे हमें कंडीशंस क्या क्या मिलती है कि हमको नहीं रुको रुको इससे हमें कुछ कंडीशंस मिलने वाली है जो कि हमें पता चली है। डी की वैल्यू जो रहेगी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा, क्योंकि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव रही तो वो ग्राफ इमेजिनरी में बन जाएगा, उसके रूट्स इमेजिनरी आएगी और इमेजिनरी रूट्स के बारे में हम कुछ कंपैरिजन बता नहीं सकते कि वो पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया या ग्रेटर देन 2 हो गया। ओके, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स राइट साइड में होना चाहिए। वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो राइट साइड में होना चाहिए, मतलब माइनस बी बाई 2a जो रहेगा वो 2 से बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारा x कोऑर्डिनेट जो आएगा वर्टेक्स का वो 2 से बड़ा रहना चाहिए। और a जब पॉजिटिव रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी? फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी? पॉजिटिव। और a जब नेगेटिव रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट लेंगे हम, जो इनका प्रोडक्ट आएगा a इंटू एफ ऑफ एक्स, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमको कुछ कंडीशंस मिली है जिसमें डी की वैल्यू जो रहनी चाहिए 0 से बड़ी या इक्वल्स टू 0 रहनी चाहिए, और वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो 2 के इधर साइड में, राइट साइड में लाई करना चाहिए, जो कि माइनस बी बाई 2 है, ये 2 से बड़ा रहना चाहिए।
और अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और एफ पी क्या बोलते हैं ग्रेटर देन जीरो है, तो इनका जो और जो भी अगर सेम साइन के रहेगा तो उनका जो प्रोडक्ट रहेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये कंडीशन हमेशा वैलिड रहेगी अगर दोनों सेम साइन के रहेंगे तो। तो अभी हम कुछ केसेस पढ़ेंगे जो अभी हमने कंडीशंस देखी थी उसी के बेसिस पे। जैसे हमारा काम नहीं कर रहा है, अभी हम कुछ केसेस देखेंगे जो हमने कंडीशंस पढ़ी है उसी के बेसिस पे हम कुछ केसेस देखेंगे। जैसे हमारा केस वन है, इफ बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, कि यहाँ पे कोई भी नंबर रह सकता है, हम एनी नंबर ले सकते हैं के, ठीक है। तो इसमें जो हमारे ग्राफ रहेंगे वो कौन कौन से ग्राफ बनेंगे, ये हो गया हमारा के, और एक जो सेकेंड ग्राफ बनेगा ये। तो हमने इसके पहले कंडीशंस क्या क्या पढ़ी थी कि के के राइट में रहना चाहिए, जो भी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट हमारा वर्टेक्स का रहेगा वो के राइट में रहना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो रहेंगी वो जीरो से बड़ी या इक्वल्स टू जीरो। तो ये एक जीरो से बड़ी और ये इक्वल्स टू जीरो हमारा आ गया, ठीक है। तो इसमें हमारी कंडीशंस क्या क्या होती है, जो हमने पहले पढ़े थे वही कंडीशंस अप्लाई होगी यहाँ पे। जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रहेगी वो तो इसका इंटरसेक्शन, और जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है माइनस बी बाई टू है, तो ये क्या रहना चाहिए, के से बड़े, के राइट साइड में रहना चाहिए, तो ये के से बड़ा रहना चाहिए। और एक इंटरसेक्शन क्या होगा, ए की वैल्यू और फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब इस इन्हीं तीनों कंडीशंस, ये जो तीन कंडीशन बनी है, डी की वैल्यू पे माइनस बी बाई टू है और ए इंटू एफ ऑफ फंक्शन की जो वैल्यू बनी है, इसी के बेसिस पे जो हम इन तीनों का जो अब हम इंटरसेक्शन लेंगे और इसके बेसिस पे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर अभी हम पढ़ेंगे केस टू। तो केस टू क्या है, इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के, कोई भी गिवन नंबर रहेगा, तो इसमें ग्राफ क्या बनेंगे हमारे, एक तो बनेगा ये तो इस पे कंडीशंस हमारी क्या क्या अप्लाई होगी, कि डिस्क्रिमिनेंट तो जो डी की वैल्यू आएगी वो तो जीरो से बड़ी है, इक्वल्स टू जीरो ही आएगी, और जो हमारा जो अब एक वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो हमको लेस देन के चाहिए, तो वो के राइट में लाई नहीं करेगा, वो कहाँ पे लाई करेगा, के लेफ्ट में लाई करेगा। तो माइनस बी बाय टू ए, ये इसमें क्या रहना चाहिए, के लेफ्ट में लाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें के बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और a इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो हमेशा a भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और a यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो तो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इन तीनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन लेके जो आंसर आएगा हमारा वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अब इससे हमें क्या 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 अभी जो दो केस पड़े उसमें हमको क्या क्या समझा, कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा जीरो से बड़ी है, इक्वल्स टू जीरो रहेगी, और अगर जो हमारा जो रूट्स बोले वो अगर लेस देन के है तो लेफ्ट में लाई करेंगे, और ग्रेटर देन के है बोले तो राइट में लाई करेंगे, ओके। और a इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव, अगर दोनों सेम साइन है तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। अभी हम देखेंगे केस थ्री जो कि इंटरसेक्शन है केस वन और केस टू का। तो ये हमारा केस थ्री जो कि केस वन और केस टू का इंटरसेक्शन है। इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं, इसमें रहेगा बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के वन
एंड स्मॉलर देन K2। अब इसके जो पॉसिबल ग्राफ्स है वो हमारे बनेंगे ऐसे। ये एक K1 रहेगा, एक K2 रहेगा। हमारी कंडीशन क्या थी? बोथ ट्रूथ्स आर ग्रेटर देन K1, और K1 से बड़ी रहनी चाहिए और K2 से छोटी रहनी चाहिए। तो इसमें ये भी एक ग्राफ बनेगा K1 और ये K2। अगर हमको कंडीशन दी रहती ग्रेटर देन K1, जो कि हमने K1 में पढ़े थे कि दोनों रूट जाएंगे तो वो ग्रेटर देन K1 रहेंगे, तो उसमें हमने कंडीशंस क्या देखी थी कि D की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, -B/2AB क्या रहेगा पॉजिटिव, और जो रहेगा A(f(x) की वैल्यू क्या रहेगी ये भी पॉजिटिव। और जब हमने ये देखी थी कि बोथ रूट्स आर लेस देन K2, तो उसमें हमारी कंडीशंस क्या आई थी, D की वैल्यू तो पॉजिटिव इक्वल्स टू 0 और पॉजिटिव थी, और -B/2A बट x का x कोऑर्डिनेट वो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, अरे फिर से हाँ, तो इसमें हमने कंडीशंस देखी थी जब हमने पढ़े थे बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन K1, जो कि हमने K1 में पढ़े थे, तो इसमें हमने कंडीशंस क्या क्या करे थे कि D की वैल्यू जो रहेंगी वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 रह सकती है, -B/2A ये क्या रहना चाहिए K से, K1 से बड़ा, तो ये K1 के राइट साइड में लाई करेगा, और A(f(x) की जो वैल्यू है वो क्या रहनी चाहिए थी 0 से बड़ी। और जब हमने सेकेंड केस पढ़ा था जो कि बोथ रूट्स आर लेस देन K2, तो इसमें जो D की वैल्यू थी वो तो पॉजिटिव ही थी, और -B/2A ये क्या था, इसमें K2 बड़ा था क्योंकि ये K2 के दोनों जो रूट्स रहेंगे वो लेस देन क्या रहेंगे K2, और जो A(f(x) की वैल्यू जो रहेंगी वो क्या रहेगी पॉजिटिव। तो इन दोनों से हमारी जो फाइनल कंडीशंस बनेंगे, ये दो केस 3 जो है वो इंटरसेक्शन K1 और K2 का है, तो हमारी जो कंडीशन भी बनेंगी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद ही बनेंगी। तो हमारी फाइनल कंडीशंस क्या क्या बनेंगी कि D की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, और -B/2A कट, हाँ तो इसमें जो कंडीशन आएगी K1 से बड़ी आएगी -B/2A की वैल्यू, और K2 से छोटी, और जो हमारी तीसरी कंडीशन बनेगी वो f(k1) जो रहेगा ग्रेटर देन इक्वल 0, और f(k2) जो रहेगा वो भी रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमने 3 कुछ केसेस पढ़े हैं जो लोकेशन ऑफ रूट्स के हैं, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।